देश भर में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन है और सभी उद्योग धंधे ठप हैं, जिसके चलते पश्चिमी राजस्थान में हरियाणा पंजाब से आए सैकड़ों परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के चलते उनके पास ना तो काम है और ना खाने के लिए भोजन। ऐसे में ये मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, जिसके चलते बीकानेर के खाजूवाला में जैसलमेर से पहुंचने वाले मजदूर प्रशासन के लिए मुसीबत बन गए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन्हें अस्थायी रूप से रोकने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ ने कहा कि ये मजदूर पश्चिमी राजस्थान में मजदूरी कर रहे थे, जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल इनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है और लॉकडाउन के बाद इन्हें घर के लिए रवाना किया जाएगा। पीछे बज्जू और जैसलमेर क्षेत्र से भारी संख्या में मजदूर प्रवेश करने की प्रयास करते हैं, जो स्वस्थ और जिनके नियोक्ता का हमें पता होता है उनको वापस भेज दिया जाता है। फिर भी चोरी छिपे बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र होने के कारण बज्जू से और पीछे से जैसलमेर से विशेषकर स्थानों की मंडी, मोहनगढ़, नाचना आदि क्षेत्रों से भारी संख्या में जो मजदूर कृषि कार्य के लिए या अन्य कार्यों के लिए वहाँ गए थे वो यहाँ प्रवेश का प्रयास करते हैं। उनमें ज़्यादातर को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं या जो काफ़ी बीमार होते हैं या फिर जो चल फिर नहीं सकते, काफ़ी लंबी यात्रा करके थके आ रहे होते हैं, भूखे होते हैं, उनको हम यहाँ रोकने की व्यवस्था करते हैं। सफर कर रही हूं, कोई सरकार दे मैं पल्लू नहीं।